नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। रंग रंगीला हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। बराबर उतार देना। बराबर उतार देना। आइए, आपको ऐसी जगह निकलते हैं जहां युवक और युवतियां अपनी मस्ती में मशगूल हैं। आपने वैलेंटाइन डे का नाम तो सुना होगा। वैलेंटाइन डे का मतलब प्यार के इजहार का एक दिन। किंतु भगोरिया मेला 7 दिन तक चलता है। होली से पहले 7 दिन पहले यह शुरू हो जाता है और 7ों दिन प्यार का इजहार होता है। कहते हैं कि इस अवसर पर लड़का लड़की को पान खिलाता है। अगर लड़की पान खा लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो वे दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और शादी करके ही घर लौटते हैं। इसी तरह कुछ लोगों का ये मानना है कि लड़का लड़की के मुंह पे लाल गुलाल लगाता है और लड़की लड़के के मुंह पे लाल गुलाल लगा देती है, तो दोनों की आपस में रजामंदी हो जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और बाद में शादी करके घर लौटते हैं और परिवार के लोग भी उस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। यह तो एक कहानी है भगोरिया की। ये दूसरी कहानी एक और है कि कहते हैं कि राजा भोज के समय से यह भगोरिया मेला शुरू हो गया है। भगोरिया मेला मध्य प्रदेश के भील आदिवासी बहुल क्षेत्र झबुआ तथा अलीराजपुर जिले के गांव में आयोजित किया जाता है। ये दोनों जिले गुजरात तथा राजस्थान की सीमाओं से सटे हुए हैं। इन आदिवासी बहुल क्षेत्र में भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेले 7 दिन तक अलग अलग गांव में चलते हैं। होली से पहले 7 दिन पहले यह मेला शुरू होता है और होली तक ये चलता रहता है। एक ही गांव में 7 दिन तक नहीं चलता, अलग अलग गांव में हर रोज़ मेला आयोजित किया जाता है। यह मेले का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि आदिवासियों के युवक और युवतियां देश में जहां कहीं भी नौकरी पर हैं या काम धंधे के लिए बाहर गए हैं, भगोरिया पर वो अपने देश में अपने गांव में ज़रूर आते हैं भगोरिया मेले में भाग लेने के लिए। लड़के अपनी पारंपरिक वेशभूषा के अंदर बांसुरी बजाते हुए, ढोल बजाते हुए नाचते हैं। उनकी ढोल की और बांसुरी की आवाज़ सुनकर लड़कियां भी जो इस मेले में भाग लेने के लिए आती हैं, वे भी अपने कदम रोक नहीं पाती। वे भी उनकी बांसुरी और ढोल की ताल पर मिलकर सामूहिक नृत्य करती हैं। यद्यपि इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है, कोई इन्होंने इससे पूर्व प्रैक्टिस भी नहीं की है, फिर भी उनके गीत और संगीत की लय देखते ही बनती है। बांसुरी सामूहिक रूप से बजाई जाती है। नृत्य लड़कियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। उनकी कदम ताल देखते ही बनती है। लड़कियाँ ज़्यादातर एक जैसी ड्रेस में होती हैं। एक गाँव की लड़कियाँ एक जैसी ड्रेस पहनकर आती हैं। आदिवासियों का यह मेला धीरे धीरे आधुनिकता का रूप लेता जा रहा है। लड़के अलग अलग तरह के चश्मे पहनते हैं, जीन्स उन्होंने पहननी शुरू कर दी है, कमीज़ें टी शर्टें वगैरह पहननी शुरू कर दी है। कहाँ वे लुंगी में धोती में आते थे और कहाँ उन्होंने जीन्स पहननी शुरू कर दी है। लड़कियों ने अभी पारंपरिक अपनी वेशभूषा नहीं छोड़ी है, लेकिन चश्मे की शौकीन वे भी मिल जाएंगी। दोस्तों, यदि आप फोटोग्राफर हैं या घुमक्कर हैं या भारत की संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश के झबुआ और अलीराजपुर के गांव में लगने वाले 7 दिवसीय मेले में जरूर जाना चाहिए और खूब जमकर फोटोग्राफी करनी चाहिए।
आपको ये छोटी सी मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।